हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद एमबीएस क्लासेस में। स्टूडेंट, प्लस टू का मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छे ढंग से अपना चल रहा था। उम्मीद करता हूं बेटा किसी भी टाइप की आपको कोई दिक्कत नहीं है। और अपना चल रहा था बेटा फिफ्थ चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंशिएबिलिटी, जिसके अंदर हम फिफ्थ चैप्टर से रिलेटेड जो भी बेसिक बातें थी वो लगभग कंप्लीट कर ली थी कंटिन्यूटी से रिलेटेड। और उसके बाद में हमने 5.1 एक्सरसाइज के सम किए थे बेटा। तो आज हम करेंगे 14, 15, 16 और 17। ये चार सम बेटा आज के सेशन में बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छे ढंग से आप समझोगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है और वीडियो अगर अच्छी लगे तो थंब इंप्रेशन यानी लाइक का बटन जरूर प्रेस करना बेटा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो जो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस नंबर पर अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सअप कर देनी है। तो चलिए बेटा हम शुरू करते हैं अपना 14 नंबर सम। कहता है कि अपने को कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है। इसके ऊपर जो स्टेटमेंट दे रखी थी उसमें अपने को क्या करना था, कंटिन्यूटी चेक करनी थी। तो एफ एक्स अपने को दे रखा बेटा 3, 4, 5 डिफाइन करके दे रखा है। कब? इफ एक्स यानी 0 <x>= 1 और 4 इफ 1 <x>= 3, 5 इफ 3 <x>= 10। तो इसके अंदर बेटा अपने पास लिमिट पॉइंट दो बन जाते हैं। देखो, एक तो ये जो जीरो वाला है इसको मत काउंट करो, एक 10 वाले को काउंट मत करो, क्योंकि ये तो लास्ट पॉइंट है, समझ में आ गई बात। और ये अपने पास है एक्सट्रीम पॉइंट यानी लास्ट पॉइंट। तो इनके बीच में जो पॉइंट अपने को दे रखे हैं उनको हम काउंट करेंगे। तो 1 और 3 ये दो लिमिट पॉइंट हम लेके चलेंगे और अपने को चेक करने बेटा कंटिन्यूटी। तो देखिए बड़ा ही आसान है बेटा। अपने को सबसे पहले मैंने आपको बताया बेटा कंटिन्यूटी चेक जब भी करनी है तो आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है और वो लिमिट पॉइंट निकालना है, ठीक है बेटा। फंक्शन की वैल्यू निकालनी है उस लिमिट पॉइंट पे। अगर ये तीनों इक्वल आ जाए तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए बेटा हम करते हैं इस सम को लिमिट एक्स टेंड्स टू। अपने पास दो पॉइंट है, मैंने कौन कौन से बताए, 1 और 3। तो सबसे पहले 1 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन मेरे पास क्या बनेगा बेटा, ध्यान से समझना है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस के लिए, एक से छोटी वैल्यू के लिए, तो एक से छोटी देखो 0 <x>= 1 यानी एक से छोटी वैल्यू होगी किसकी, x की, यही बात है ना। तो x की वैल्यू एक से छोटी, यही है ना फंक्शन। तो ये अपने पास क्या होगा बेटा, लिमिट की वैल्यू कितनी देर की, अपने को फंक्शन की वैल्यू 3। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट अपने पास 3 आ गई। अब आप बोलोगे सर पीछे वाले सम के अंदर तो आपने वो लिमिट पॉइंट माइनस में एच करवाया था, यहां भी करते, लेकिन कब करते, जब अपने पास फंक्शन एक्स में होता। तो यहां पर तो कॉन्स्टेंट है ना, समझ में आ रही बात, ये कांस्टेंट है। तो ये फंक्शन के अंदर हम माइनस वाला पुट नहीं करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू निकाल देंगे। उसके बाद में अपने पास आ गया बेटा लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस, एक प्लस के लिए, एक से बड़ी वैल्यू के लिए। तो एक से बड़ी वैल्यू यानी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन है 1 से, तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन, देखो एक्स बड़ा है किससे, 1 से, 1 <x>, है ना। तो x से छोटा है 1, तो अपने पास वैल्यू कितनी आएगी बेटा 4। तो अपने पास आंसर आ गया बेटा 4 यानी राइट हैंड लिमिट अपने पास आ गई 4। तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हेंस दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। सेम इसी तरीके से हम फाइंड करेंगे बेटा x इज इक्वल टू 3 पर। x इज इक्वल टू 3 के लिए भी लेके चलोगे, 3 माइनस के लिए ये फंक्शन, 3 प्लस के लिए ये फंक्शन, तो 4 और 5 आएगा, तो ये 3 पर भी कंटिन्यूस नहीं होगा। बात समझ में आ गई। अगर बाय द वे एक चीज़ और बताऊँ बेटा, क्योंकि आपको मैंने ये बताया भी था कि जो कॉन्स्टेंट फंक्शन होता है, कॉन्स्टेंट फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस, ये भी बोला था आपको, कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू a, ध्यान ये रखना है सिर्फ एक पॉइंट पर। यहां पर देखो दो पॉइंट है अपने पास, है ना, दो पॉइंट है, इसलिए ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। अगर डायरेक्ट सिर्फ इतना ही दिया होता अपने को कि यहां पर ऐसे कर दिया x इज इक्वल टू 1 पर आप इसको चेक करो, तो ये अपने पास कंटिन्यूस फंक्शन होता। क्यों होता, क्योंकि कॉन्स्टेंट फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू a, समझ में आ गई बात, ये ध्यान में आपको रखना है। चलिए बेटा नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं, 15 नंबर सम जो अपना दे रखा है। उसके अंदर क्या दे रखा है, फंक्शन वही डिफाइन करके दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x इफ एक्स लेस देन 0, 0 इफ एक्स 0 <x>= 1, 4x इफ एक्स ग्रेटर देन 1। तो यहां पर भी तो अपने पास दो लिमिट है, एक तो है 0 और एक है बेटा 1। सेम वही प्रोसेस करेंगे, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और हम लिमिट पॉइंट पर वैल्यू भी निकालेंगे फंक्शन की। और अगर वो तीनों इक्वल आ जाए तो फंक्शन क्या होगा बेटा,
कंटिन्यूस होगा, यही तो बताया ना। अब देखो अपन वही करेंगे, 0 - 0 + 1 - 1 + उतना ही काम करना है, ठीक है। कई बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे सर ये बार बार लिख रहे हो, इससे अच्छा है कि एक बार ही लिख दो। बेटा मैं ये बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप बार बार इसको पढ़ो, और बार बार जब आप पढ़ोगे तो आपके माइंड में बैठ जाएगा कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बार बार करवा रहा हूँ। तो एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस, तो जीरो माइनस करेंगे तो फंक्शन देखो, एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी, तो जीरो से छोटी के लिए फंक्शन क्या आएगा अपने पास बेटा, 2x। अब यहाँ पर हम पुट करेंगे वो वैल्यू कौन सी, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो 2 × 0 - h, और यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 0 पुट करूँगा तो आंसर मेरे पास क्या बनेगा बेटा, 0 ही तो बनेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, 0। अब मैं निकालता हूँ बेटा राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, यानी x की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 छोटा x बड़ा, तो 0 से बड़ी के लिए फंक्शन ये है ना, 0 < x < 1, यही है। तो अपने पास क्या आएगा बेटा, डायरेक्टली 0, तो राइट हैंड लिमिट क्या आ गई, 0। अब मैं निकालता हूँ बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0, यानी x की वैल्यू इज इक्वल टू 0 हो, तो 0 < x = x की वैल्यू 0 के बराबर हो तो मैं यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू कर दूँ, तो इक्वल टू तो है कि नहीं है, तो इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन क्या बेटा अपने पास, ये भी 0 है, तो अपने पास क्या आ गया देखो बेटा, 0 के लिए ये फंक्शन 0 0 0, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लिमिट पॉइंट तीनों के तीनों इक्वल आते हैं एक पॉइंट पर, तो इसलिए ये फंक्शन क्या बन गया अपने पास, कंटिन्यूस फंक्शन बनता है कौन से पॉइंट पर, 0 पर। अब हम करते हैं बेटा आगे 1 के लिए, थोड़ा सा ध्यान से समझना, अभी हमने 0 के लिए चेक किया, अब हम चेक करते हैं बेटा किसके लिए, 1 के लिए। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 - 1 से छोटी वैल्यू x की, तो देखो 1 से छोटी वैल्यू x की तो क्या फंक्शन है अपने पास बेटा, 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट अपने पास दोबारा क्या आ गई, 0। अब हम करते हैं बेटा लिमिट x टेंड्स टू 1 + 1 से ज़्यादा के लिए, अब देखो x की वैल्यू 1 से बड़ी है, बड़ी के लिए फंक्शन ये रहा है कि नहीं है, तो अपने पास बन गया बेटा 4x, और यहाँ पर 4x की जगह मैं क्या लिखूँ बेटा, 4 × 1 + h लिखूंगा ना, जैसे यहाँ पे h टेंड्स टू 0 करोगे वैसे ही, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0, अब देखो यहाँ पर 0 पुट किया तो मेरे पास आंसर कितना आएगा बेटा, 4। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0, राइट हैंड लिमिट मेरे पास 4, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं बना, यानी ये जो अपने को फंक्शन दे रखा था वो 0 पर तो कंटिन्यूस है और 1 पर डिसकंटिन्यूस है, बात समझ में आ गई। बस इसी तरीके से हम सारे के सारे सम सोल्व करेंगे। अब देखो बेटा मैंने जब आपको 5th चैप्टर शुरू करवाया था तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था बेटा कि 4 अपने को टाइप दिए होंगे क्वेश्चंस के, कितने टाइप दिए होंगे, 4, कौन कौन से, एक तो मैंने आपको बताया था कंटिन्यूटी चेक करनी अपने को एट x इज इक्वल टू a पर, कोई भी लिमिट पॉइंट अपने को दे दिया होगा उस पर अपने को कंटिन्यूटी चेक करनी है, यह पहला फंक्शन था, समझ आ गया बात, पहला टाइप। सेकंड मैंने आपको बताया था बेटा वो था कि फंक्शन अपने को डिफाइन करके दिया होगा, जैसे यहाँ पर लिख दिया बेटा ax + b इफ x > 0 और bx + c इफ x < = 0, इस तरीके से अपने को डिफाइन करके दिया होगा फंक्शन, बात समझ में आ गई, ये थी अपने पास। थर्ड मैंने आपको बताया था बेटा कि फंक्शन जो अपने को दिया होगा वो कहेगा कि ये कंटिन्यूस है, फंक्शन क्या बेटा कंटिन्यूस है, अपने को कोई कांस्टेंट देगा, कोई भी कांस्टेंट देगा, समझा की बात, कांस्टेंट का मतलब ये है कि अपने को एक पैरामेट्रिक फॉर्म में देगा, एक नंबर देगा k y z, जो मर्जी दे सकता है, यानी a नाम दे दिया, b नाम दे दिया, c नाम दे दिया, कोई भी, वो कहेगा कि फंक्शन तो कंटिन्यूस है एट x = मान लो 0 पर, कोई भी पॉइंट पर, आप उनकी वैल्यू निकालो जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मेरे पास है, समझ में आ गई बात, उनकी वैल्यू निकालनी है। और चौथा बेटा अपने पास था कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, क्या था, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो अपने को दिया हो उसकी कंटिन्यूटी आपको चेक करनी थी। तो 4 टाइप मैंने आपको बताए थे, जिसके अंदर बेटा पहला टाइप मैंने आपको करवा दिया था 5th चैप्टर जब शुरू हुआ अपना, उसके बाद में सेकंड टाइप आपने अभी तक किया है, ये देखो कर रखे है ना, फंक्शन डिफाइन करके दे रखा है। अब हम करेंगे बेटा थर्ड टाइप, और थर्ड टाइप के अंदर क्या है, अपने को कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिया होगा, जैसे अपने को a और b दे रखा है, यहाँ पर देखो लैम्डा दे रखा है, ठीक है, इनकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है या a और b के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। तो ये आगे वाला जो समय ना बेटा सेम यही ही है, क्या दे रखा है ध्यान से समझते जाना बेटा, अगर बाय द वे कोई दिक्कत हो भी जाती है ना तो टेंशन नहीं लेनी है, मेरे से बेझिझक अपना
मतलब प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, और मैं 100% कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम उसी टाइम सोल्व करके आपके पास भेज दूं। 16th सम अपने को दे रखा है बेटा, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में अपने को रिलेशनशिप फाइंड करनी है। इफ, कब, यदि फंक्शन एफ एक्स जो है वो ए एक्स प्लस वन और बी एक्स प्लस थ्री, इफ एक्स लेस देन इक्वल टू थ्री, इफ एक्स ग्रेटर देन थ्री, इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू थ्री। कहता है कि ये फंक्शन जो हमने डिफाइन करके देखा है, ये फंक्शन एक्स इज इक्वल टू थ्री पर कंटिन्यूस है। आप ये चीज चेक करो कि ए और बी के बीच में रिलेशन क्या है। समझ में आ गई बात? अब अपने को पता बेटा कंटिन्यूस कब होता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लिमिट पॉइंट तीनों इक्वल आ जाए। वही हम करेंगे यहाँ पर, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लिमिट पॉइंट निकालेंगे, ए और बी के बीच में रिलेशनशिप आ जाएगी। बहुत ही आसान है बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और लिमिट पॉइंट निकालेंगे। समझ आ गई बेटा बात? और इनको हम इक्वल लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि इसने बोल रखा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, इसलिए हम इसको इक्वल रखेंगे। बिल्कुल आसान, लिमिट एक्स टेंड्स टू, लिमिट पॉइंट क्या दे रखा है बेटा, थ्री, तो हम लिखेंगे थ्री माइनस एक्स की वैल्यू तीन से छोटी, तो एक्स की वैल्यू तीन से छोटी, यही फंक्शन है ना बेटा, ए एक्स प्लस वन, तो हमने लिख लिया ए एक्स प्लस वन। अब ध्यान से समझते जाना, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो a इंटू थ्री माइनस एच प्लस वन, तो यहाँ पर जीरो पुट करते मेरे पास आ जाए बेटा थ्री ए प्लस वन, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट मेरे पास आ गई बेटा थ्री ए प्लस वन। ध्यान से आपको समझते जाना है। नेक्स्ट देखो बेटा, अब हम करेंगे राइट हैंड लिमिट के लिए। राइट हैंड लिमिट के लिए अपने को क्या करना है, x टेंड्स टू थ्री प्लस, और थ्री प्लस x की वैल्यू तीन से बड़ी, और x की वैल्यू तीन से बड़ी के लिए यह फंक्शन है ना बी एक्स प्लस थ्री, वही करेंगे बेटा बी एक्स प्लस थ्री। यहाँ पर मैं कर देता हूँ कैसे सोल्व, बी इंटू, यहाँ पर डायरेक्ट ही कर रहा हूँ बेटा थ्री प्लस एच प्लस थ्री, यहाँ जीरो पुट किया तो अपने पास आ गया बेटा थ्री प्लस थ्री बी प्लस में थ्री, तो ये बन गया बेटा थ्री बी प्लस में थ्री। अब ये लिमिट पॉइंट चेक करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसने बोल रखा था कंटिन्यूस है, यानी ये चीज़ भी इसके इक्वल ही आएगी, तीसरी चीज़ जो हम निकालेंगे वो भी इक्वल आएगी। तो आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को इक्वल पुट कर देना है, बस इतना काम करना, आपके पास रिलेशनशिप आ जाएगी। देखो ये तो आ गया बेटा अपने पास 3a प्लस वन, और ये आ गया बेटा अपने पास कितना 3b प्लस थ्री। अब क्या करेंगे, ए बी को एक साइड, विदाउट ए बी को एक साइड, तो ये हम इधर ले आते हैं, तो 3a ये b इधर आके हो गया बेटा माइनस का इज इक्वल टू थ्री, और ये वन उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो अपने पास बन गया टू। अब देखो इनमें से थ्री कॉमन निकाल के उधर डिवाइड में करो तो भी ठीक है, इतना छोड़ोगे तो भी ठीक है, और अगर इसको ऐसे करोगे थ्री ए इज इक्वल टू टू प्लस में थ्री बी, और हम इसको लिखेंगे जी a इज इक्वल टू टू प्लस थ्री बी डिवाइड बाय थ्री, इतना लिखेंगे तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई? पक्का समझ में आ रहा ना? इसी तरीके से समझते जाओगे और हर एक पार्ट आपको अच्छे ढंग से क्लियर होता जाएगा। मेरे साथ जुड़े रहना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है बेटा। चलिए आगे वाले सम की तरफ चलते हैं, अपना आज के सेशन का लास्ट सम। इसी तरीके से चार चार पांच पांच सम हम करते जाएंगे बेटा, ताकि जो आपके पास खाली समय है ना उसका आप सदुपयोग कर सको और हर एक कंसेप्ट को अच्छे ढंग से समझ के भी कंप्लीट करो। तो देखिए बेटा नेक्स्ट देर का, फोर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, कहता है फोर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, इफ एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, फोर एक्स प्लस वन इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। कहता है कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन जो डिफाइन करके दे रखा है जीरो पर, देखो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये बाद में दे रखा ना बेटा ऑल्सो फॉर एक्स इज इक्वल टू वन, ये दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। कहता है कि जब जीरो पर फंक्शन कंटिन्यूस है तो लैम्डा की वैल्यू निकालो, और वन पर अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो आप किसकी वैल्यू निकालो, लैम्डा की वैल्यू। बात समझ में आ गई? यानी अगर आपको जीरो पर दे दिया जाए तो वही सेम जो अभी हमने यूज किया था, और वन पर दे दिया जाए तो भी वही सेम, बस लिमिट पॉइंट चेंज आपको करना है। बिल्कुल आसान है, देखो लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस x की वैल्यू जीरो से छोटी, तो x की वैल्यू जीरो से छोटी, ये फंक्शन का मतलब लैम्डा x स्क्वायर माइनस टू एक्स। बहुत ही आसान है, देखो यहाँ पर वही करेंगे बेटा लिमिट x एच टेंड्स टू जीरो लैम्डा, और यहाँ पर लिख दिया बेटा मैंने क्या जीरो माइनस एच का स्क्वायर, पता चल रहा होगा कैसे हो रहा है, माइनस में टू इंटू जीरो माइनस एच।
अब a माइनस बी का होल स्क्वायर मत करने लग जाना, डायरेक्टली जीरो पुट कर दो। यहाँ पर जीरो पुट किया था, आपके पास आ गया बेटा लैम्डा, और यहाँ पर आपके पास क्या बन गया बेटा जीरो माइनस जीरो जीरो, माइनस में टू, और यहाँ पर जीरो पुट करोगे तो भी जीरो, तो आंसर आपके पास क्या आ गया बेटा जीरो। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट जो हमने निकाली है वो हमारे पास आंसर आ गया जीरो। कोई दिक्कत नहीं, लैम्डा की वैल्यू अपने को निकालनी है, निकाल देंगे। अब हम निकालेंगे बेटा क्या राइट हैंड लिमिट, क्या निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस जीरो से बड़ी वैल्यू x की, तो x बड़ा जीरो से तो 4x प्लस वन, तो अपने पास आ गया बेटा 4x प्लस वन। अब देखो लिमिट बिल्कुल आसान है बेटा, h टेंड्स टू जीरो और यहाँ पे 4, यहाँ लिख दिया बेटा जीरो प्लस एच प्लस में वन, यहाँ जीरो पुट करो तो जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो इंटू फोर जीरो, यानी जीरो प्लस वन, आंसर कितना आ गया बेटा आपके पास वन। तो राइट हैंड लिमिट आपके पास आ गया बेटा वन। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का समझ में आ रहा है। तो आपने राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट अपने पास क्या आ गया बेटा वन आ गया। जब आपने राइट हैंड लिमिट निकाली तो आंसर जब वन आया तो अपने को पता चला कि राइट हैंड लिमिट तो 1 आई है, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास 0 आई है। इसका मतलब राइट हैंड लिमिट नॉट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। बात समझ में आ रही ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया बेटा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती। बात समझ में आएगी, लैम्डा की वैल्यू तो हम तब निकालते जब लिमिट एग्जिस्ट करती। इसका मतलब इसने बोल रखा था कि फंक्शन कंटिन्यूस है जीरो पर, यानी ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है जीरो पर। बात समझ में आएगी ना, लैम्डा की वैल्यू किसी भी लैम्डा की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, ऑल्सो फॉर एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स इज इक्वल टू वन के लिए चेक करोगे तो बस वहां पर जीरो लिख रखा ना, वहां पर वन माइनस और एक बार वन प्लस, दोनों को इक्वल कर देना, लैम्डा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अगर इक्वल ना है तो वहां पर लिख दोगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बात समझ में आ गई ना। तो इस तरीके से आज अपने 14, 15, 16 और 17 ये चार सम कंप्लीट हो जाते हैं बेटा। उम्मीद करता हूं कोई भी दिक्कत आपको नहीं हुई है। आगे वाले चार या पांच सम लेके मैं कल आपके सामने हाजिर रहूंगा। तो इसी तरीके से आपको जुड़े रहना है, और हर संडे आपको एक टेस्ट दे रहा हूँ बेटा, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए। तो आपको करना क्या है, वो टेस्ट ज़रूर देना है, और जो बच्चा जीतेगा, जो बच्चा कम से कम टाइम के अंदर अपने आंसर देगा, उनको हम प्राइज भी दे रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के लिए अशोक सर ने आपको प्राइज दिए हैं, विनय यादव थे शायद, वो जीते हैं इस प्राइज को। तो इसी तरीके से आप भी जीत सकते हो। तो कल मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक आप सभी स्टूडेंट्स का थैंक यू।